जनपद गोंडा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी फरियाद लेकर पहुंची दलित की बेटी, जमीन पर जबरन कब्जा करने हुए मारपीट करने का विपक्षी पर महिला की बेटी ने लगाया आरोप। दलित बेटी ने कहा, देहात कोतवाली में नहीं हुई विपक्षों पर कोई कार्रवाई और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा से लगाई न्याय की गुहार। ग्राउंड जीरो से देखिए होमी दली की खास रिपोर्ट। मैं हामिद अली, आप देख रहे हैं AKC लाइव न्यूज गोंडा से। गोंडा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे खड़ा हूं, जहां पर आपको बताना चाहूंगा यहां जनपद गोंडा में कैसी है महिला हेल्प डेस्क और कैसे है महिला सुरक्षा के उपाय। आज एक वानगी हम आपको दिखाना चाह रहा है, चांदपुर मझवा का है। चांदपुर मझवा का मामला, वहाँ आपको बताना चाहेंगे महिला की जमीन पे, मानी दलित महिला है, उसकी जमीन पे जबरन दबंगों ने कब्जा कर लिया, यहाँ तक दीवार भी उठा लिया। महिला का विरोध हुआ मगर उस पर जो है दबंगों ने उस पर हमला कर दिया, यानी कि मार के उसको घायल कर दिया। वो जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है, काफी दिनों से चक्कर लगा रही। SP कार्यालय हुआ, चाहे डसनल SP हुआ, चाहे COCT हुआ, सबके यहाँ पे चक्कर लगा रही। मगर चक्कर लगाने का मतलब यह है कि कहाँ हेल्प डेस्क, जो महिला हेल्प डेस्क के लिए बनाया जाता है, कि महिला का तुरंत मतलब उसको सुनवाई हो और आगे जांच हो। जांच जांच हो रही है, आगे कोई कार्रवाई ना, मुकदमा लिखा गया है। आइए उसी बच्ची से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या घटना हुई और कब की घटना है। नाम बताइए पहले। हमारा नाम रूबी, हम ग्राम चांदपुर से आन है। अच्छा अच्छा। 7 तारीख का हमारे यहाँ मार करी थी, हमारे जमीन में जबरदस्ती दीवार उठाई रही थी और हम पुलिस के यहाँ बार बार आई थे 7 तारीख से। आज 15 मतलब देहात कोतवाली पुलिस में आपने सूचना दिया या आपकी माँ ने दिया, क्या हुआ? मार एक दिन पहले गाली वाली दिन ना की सूचना दी, तब वो कार्रवाई नहीं हुआ। यहाँ जब मम्मी मारी बहुत। किस बात को लेकर? दीवार हमारे जमीन जबरदस्ती दीवार उठावत रहे, मम्मी मारा गई तब का सब मारी हम हो गए हैं मारी। फिर आप कहाँ कहाँ गई हैं? सीओ ऑफिस गए, कार्रवाई नहीं हुआ। एसपी ऑफिस गए, कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा, तो आपकी माता जी का क्या हाल है? मम्मी का मेरे हालत बहुत सीरियस है, मेडिकल कॉलेज रिफर करी नहीं जिला अस्पताल से थी, मेरे पास पैसा की व्यवस्था ना, इसे नहीं ले जा पाए। तो आप यहाँ फिर किस लिए आए हैं आज? न्याय यानी कि 7 तारीख की घटना है, 7/3/2022 आज मिला, फिर किस लिए आए? न्याय मांगा आने, हमें न्याय नहीं मिला था। ये देखिए, महिला बेर बेर या बच्ची बेर बेर न्याय के लिए यहाँ उस अधिकारियों की चौखट खटखटाना पड़े, ये बड़ी बात है। यानी देहात कोतवाली पुलिस अगर मौके पे सुन ले काम किसी का भी, तो यहाँ मतलब बड़े अधिकारियों के चक्कर ये महिलाएं या बच्चियां यहाँ लगाना न पड़े। ये वजह है कि इनका जो है, इनकी माता जी का हालत सीरियस है, यानी जिला चिकित्सालय में भर्ती थी, उनका इलाज चल रहा था, फिर भी नहीं सुनवाई हुई। किस वजह से सुनवाई नहीं हुई? या तो ये संदेह के घेरे में है, या तो उसके विपक्षियों के दबाव में पुलिस काम कर रही है, देहात कोतवाली पुलिस, या मतलब गंभीरता से महिला का प्रार्थना पत्र नहीं ले रही है, ये बात है। मगर उच्च अधिकारियों के पास आई है, अब देखना होगा क्या न्याय इसको मिलता है, या महिला हेल्प डेस्क काम करती है या नहीं करती है, या महिला सुरक्षा के उपाय जो किए गए हैं योगी आदित्यनाथ द्वारा या भारत सरकार द्वारा, वो कितना काम करती है, अब देखने वाली बात ये रहेगी, इसके न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं हामिद अली गोंडा से, तौफीक कैमरामैन के साथ, लाइव न्यूज 18 गोंडा।